यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग देशमय हो जाता, ना तो कर्म के उदय से होता है, ना बाहर के कोई प्रतिकूल संयोगों से होता है, और ना अंदर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के होता है। अज्ञान भाव से यह ज्ञान स्वभावी आत्मा राग देशमय पर्ण में थोटा है, पर तत्व दृष्टि से विचार करें तो ये कोई वस्तु नहीं है। तो कहते राग देश कोई वस्तु नहीं है, वस्तु माने द्रव्य माने गुण, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, टेम्परेरी हुई एक चीज़ है, और वो भी जो ऐसे देखो अपन अनादिकाल से है ना, लेकिन वो का वो राग कहाँ है? वो राग भी प्रतिक्षण बदलता रहता है और उसकी डिग्री भी प्रतिक्षण बदलती रहती है, वास्तव में तो एक समय पुराना भी नहीं है, क्योंकि वो प्रति समय बदलता है ना। कहते जो चीज़ की उम्र सिर्फ एक समय है उसके बारे में क्या सोचना, वो तो स्वयं ही नष्ट हो जाने वाला है अपने आप ही। बस हम तत्व दृष्टि को अपना कर नया राग पैदा ना करें तो हमारा काम खत्म हो जाता है। वास्तव में हमें पुराने राग देश को नाश करने की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र ही एक समय है। एक व्यक्ति ने दूसरे सेठ जी के घर में शाम को छिप गया कि जब रात में सब सो जाएंगे और फिर मैं सेठ जी को मार करके गोली से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा, इस भावना से। अब इतने में क्या हुआ कि रात को करीब 10-11 ही नहीं बजे थे कि एकदम सेठ जी को बहुत तेज हार्ट अटैक हुआ। तो डॉक्टरों को बुलाया, ये किया वो किया, वो सब छिपा था, वो सब देख रहा था। और डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अभी हमारे काम नहीं है, अब राम का नाम लो, अब तो नवोकार मंत्र सुनाओ, अब बस जाने वाले हैं सेठ जी, घंटे आध घंटे के भी मेहमान नहीं हैं और किसी भी समय जा सकते हैं। अब ये उसने भी सुना, किसने? जो उन्हें मारने आया था। अब अपन सोचो जरा कि वो व्यक्ति एक तो ये सोच सकता है कि अरे यदि सेठ जी मर जाएंगे तो फिर मैं किसे मारूंगा, और मैं जिस उद्देश्य से आया था वे मेरा उद्देश्य सफल नहीं हुआ, इसलिए मरे उसके पहले ही मैं जल्दी से जल्दी मार दूं, लेकिन पकड़े जाने का डर है क्योंकि भीड़ इकट्ठी हो गई है, सब जग रहे हैं। तो एक तो ये सोच सकता है कि अब क्या करूं, मैं तो असफल हो गया, और एक ये भी सोच सकता है कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है, तो मैं हत्या का दोष अपने माथे पर क्यों लूं? अपन भी बस तबीयत खराब सुन के आए हैं, तबीयत पूछने ही, यहाँ हल्ला गुल्ला देखा तो इसलिए अपन आए हैं भाई के देखें, ऐसे बन जाए अपन। दो दो में से एक हो सकती है ना परिणति, बुद्धिमानी का काम दो में से कौन सा है? तो सब कहेंगे वही है भैया कि अब क्या मारने से क्या फ़ायदा, क्योंकि फिर सारी ज़िंदगी फांसी पे चढ़ेंगे, जेल में रहेंगे, और इसकी बजाय अपने आप ही वो हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारी प्रतिज्ञाएँ ऐसी है कि हम ही मारेंगे। ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, कम से कम टीवी सिनेमा में तो देखे ही होंगे कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो मैं ही मारूंगा इसको, तो इसको मारने का अधिकार तो मेरा ही है और कोई दूसरा नहीं मार सकता है ना। तो ये राग एक क्षण में ही मर जाने वाला है, और इसे मारने की बात सोचकर तुम नया राग देश क्यों पैदा करते हो? देखो ना, तत्व दृष्टि से, तत्व दृष्टि के बल से छह कर इन भावों को, छह कर का मतलब पुराना तो छह हो ही रहा है, लेकिन अगला नया राग देश पैदा नहीं हो तो अपने आप ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। तत्व ज्ञान की दृष्टि से मेरा अपनापन उस त्रिकाली ध्रुव में है जिसका कभी नाश होने की संभावना ही नहीं है। ये कितनी मार्मिक बात है कि जो मैं हूँ वो तो है अविनाशी,
और जो मैं नहीं हूँ वो एक समय से दो समय भी नहीं रुकता है। ये वस्तु का स्वरूप हमारे कितने पक्ष में है, इस जगत में यदि पक्षपात हुआ है तो सबसे ज़्यादा हमारे साथ हुआ है। हमारे साथ इस अर्थ में हमारे पक्ष में पक्षपात हुआ है कि जो मैं हूँ वो तो अविनाशी और जो मैं नहीं हूँ वो विनाशी। अथवा ऐसा समझ लो कि हम जो अविनाशी हैं उसमें हमारा हम अपना अपन स्थापित करें और विनाशी में स्थापित करके हम क्या करें। और दूसरा कि ये जीव संसार से मोक्ष में तो जाता है और मोक्ष से संसार में नहीं आता, ये भी हमारे पक्ष में है। क्यों? संसार माने दुख और मोक्ष माने सुख, तो दुखी से सुखी तो होता है पर सुखी से दुखी नहीं होता, ये भी हमारे पक्ष में ही है ना। तो वस्तु का स्वरूप तो आत्म वस्तु के पक्ष में ही है। देखो यही ज्ञान अज्ञान भाव से राग देशमय हो जाता पर तत्व दृष्टि से वस्तु नहीं है। बिल्कुल कहीं वो अन्वय नहीं लगाने की जरूरत है, उसे गद्य में भी पढ़ते जाओ तो वैसे ही का वैसा पढ़ते जाओ। और तत्व दृष्टि के बल से छह कर इन भावों को हो जाती है अचल सहज यह ज्योति प्रकाशित। ये अचल सहज ज्योति ये सहज भाव से प्रकाशित हो जाती है। ये रास्ता है मुक्ति का और कोई दूसरे रास्ते की जरूरत नहीं है। ये बनारसी दास का छंद है, ये दोनों छंद मैं आज पढ़ना चाहता हूँ और कल से फिर अपन नया प्रकरण नई किताब रख देना ला करके, यहाँ तो रखी है ये लेकिन वो किताब ये छोटी वाली लाना क्योंकि इसमें ऐसा रखने में फिर वो दाबना पड़ता है नहीं तो ऐसा हो जाता है बार बार, छोटी किताब यहाँ ला के रखना है। ये बनारसी दास जी का कलश पढ़ो। जीव कर्म संजोग सहज मिथ्यात रूप धर राग देश परिणति प्रभाव जाने नाप पर तम मिथ्यात मिटी गयो वो समकित दोष सती राग दोष कजु वस्तु नाही चिन गाही गए नसी अनुभव अभ्यास सुख राशि रमी भयो निपुन तारन तरन पूरन प्रकाश ने चलने रखे बानार सिवंदते चरण। ये तो आप जानते ही होंगे कि एक दोहा और एक रुगला मिला दो तो एक कुंडलिया हो जाती है। कुंडलिया में क्या, पहले एक दोहा होता है और फिर एक रुगला होता है। और कुंडलिया माने वो घूम के वहीं की वहीं आ जाए, जिस शब्द से अपन शुरू करते हैं अंत भी उसी शब्द से करते हैं, इस वजह से उसका नाम कुंडलिया पड़ा है। और एक रुगला और एक छप्पे मिला दो, ये छप्पे है ना, एक रुगला और एक उल्लाला, ये नीचे का छंद है उल्लाला। एक रोला और एक उल्लाला में ला दो तो एक छप्पे बन जाता है। तो उल्लाला कम बोलने में आता ना, इसलिए अपन आपको एक दिक्कत होती है इसमें, है ना। अनुभव अभास सुख राशि रमी भयो निपुर तारण तरन, है ना। जो अपन ने कलश पढ़ा है अभी आप देखो कि बनारसी दास जी का छंद है, अपन ने एक पद्यानुवाद बनाया है। ये बनारसी दास के छंद से आपको ऐसा लगता है कि जैसे इसका है, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ेगा इस कलश का ये पद्यानुवाद है, ये इसको मतलब निकलता तो है ही, आखिर उसी के आधार पर बनाया है। लेकिन फिर भी जितना स्पष्ट अपने इस छंद से हो जाती है उतनी स्पष्ट इससे नहीं हो पाती है बात। देखो जीव कर्म संयोग सहज मिथ्यात्व रूप धर, कि जीव और कर्म का संयोग हुआ तो इस आत्मा में मिथ्यात्व भाव का, मिथ्यात्व भाव माने भाई राग देश मोहित, मोह माने होता है मिथ्यात्व और राग देश माने चारित्र मोह के भी,
तो तीनों को भी मुहे बोलते हैं। राग देखो मिथ्यात्व धर्म राग देश परिणति प्रभाव जाने न आप पर, कि देखो मिथ्यात्व के कारण राग देश की परिणति के प्रभाव से ना आप पर जाने अपने और पराई की पहचान समाप्त हो जाती है, इसी का नाम अज्ञान भाव है। देखो मिथ्यात्व के साथ जो राग देश होते हैं वो मिथ्यात्व के बिना जो राग देश होते हैं वो मिथ्यात्व के बिना जो राग देश होते हैं उन्हें अज्ञान भाव नहीं कहते हैं, लेकिन मिथ्यात्व सहित जो राग देश होते हैं उन्हें अज्ञान भाव कहते हैं। अपन कहते हैं मिथ्यापना तो मिथ्यात्व और सम्यक बना तो सम्यक्त की वजह से होता है। एक बात और शायद आप लोगों के ध्यान में तो होगी कि मिथ्यात्व माने क्या होता है, मन में ही जवाब दे लो, कोई चिंता की बात नहीं है। और सम्यक्त माने क्या होता है, लगभग लोग ये समझते हैं मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन और सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, क्यों रमेश जी यही समझते ना है? लेकिन मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, और सम्यक्त माने सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जिनवाणी में भी बहुत कम इस अर्थ में प्रयोग हुआ है जो मैं दूसरा बता रहा हूँ। सीधा सच्चा अर्थ है ना, मिथ्यात्व माने मिथ्यापना, जो त्वा प्रत्यय लगता है ना वो भाववाची बनाने के लिए लगता है, तो मिथ्यापना कि किसका, कि जिसमें लगा हो उसका। सम्यक्त माने सम्यकपना, किसका, ज्ञान में लगाओ तो ज्ञान का, चारित्र में लगाओ तो चारित्र का, श्रद्धा में लगाओ तो श्रद्धा का। इसलिए इन तीनों का टोडरमल जी ने मंगलाचरण लिखे हैं हर अध्याय के आरंभ में, तो इनके लिए मिथ्यात्व शब्द के लिए मिथ्या भाव शब्द का प्रयोग किया। वो मिथ्या भाव कह के उनने भाववाची बनाया, तो मिथ्या भाव माने मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र, वो इसी अर्थ में कहना चाहते हैं। और सम्यक क्योंकि नीचे फिर जो उन्होंने व्याख्या की है ना, जो वर्णन किया है, हेडिंग का नाम रखा वो रखा है, और फिर वो वर्णन किया है वो तीनों का किया है, इससे बात अपन को मालूम पड़ती है। अब ये मिथ्यात्व ये आया ना इसमें सम के, तो मिथ्यात्व वो तो मिथ्यात्व का है, संस्कृत में त्वा प्रत्यय लगता है ना, लेकिन वो जाकर के फिर धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते हिंदी में, और जो बनारसी राज के समय की जो हिंदी है वो उसमें आगे मिथ्यात हो गया, और सम्यक दर्शन का सम्यक ही रह गया, कहीं कहीं सम्यक कहीं अकेला समकित, ऐसे कई शब्दों के अब जिन्हें बोलते हैं ना तद्भव और तत्सम शब्द बन जाते हैं। ये तद्भव तत्सम तो समझते हो या नहीं समझते, मूल शब्द जो थे उनको उनसे जो पैदा हुए शब्द बने उनको बोलते तद्भव, और उनके समान जो हैं उनका नाम है तत्सम, है ना। तद्भव और तत्सम ये शब्द बन जाते हैं अब जिन भाषाओं में, जो ग्रामीण भाषाएं होती हैं ना, फिर धीरे धीरे वो चलते चलते साहित्य की भाषा में भी आ जाते हैं। तम मिथ्यात्व मिट गयो हुओ समकित उद्योत शशि, सम्यक दर्शन रूपी चंद्रमा का उदय हुआ तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश हो गया, और राग देश कछु बस्ति नाही छिन्नमाही गए नशि। जब मिथ्यात्व का नष्ट हो गया तो राग देश तो क्या था, वो तो एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं, वो कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये कौन से राग देश हैं, चारित्र संबंधी, क्योंकि वो जो श्रद्धा संबंधी मन अनंतानबंदी के राग द्वेष हैं वो तो मिथ्यात्व के साथ ही खत्म हो जाते हैं। मैंने कल परसों बताया था कि जो वियोग होता है अनंतानबंदी कषाय का और मिथ्यात्व का, वो तो लौटते वक्त दूसरे गुणस्थान में होता है, दूसरा गुणस्थान गिरते वक्त का है। जब ये आगे बढ़ते हैं तो अनंतानबंदी और मिथ्यात्व का नाश एक साथ ही होता है। अपने ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई दो के लिए अलग अलग कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है,
एक ही पुरुषार्थ करो तो उसी से अनंतानंदी का नाश हो जाता है और उसी से मिथ्यात्व का भी नाश हो जाता है, ख्याल में ना, ये बोलते हैं। तो ये एक पुरुषार्थ क्या है, वो आत्म सन्मुखता का पुरुषार्थ है ना। इसीलिए आचार्यों ने सम्यक दर्शन की परिभाषा में सम्यक दर्शन की सर्वघाती प्रकृतियों में अनंतानंदी ले ली है, जबकि वे चारे त्रमोह की प्रकृतियां हैं। जब श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन है तो उसका नाशक दर्शन मोहिनी कर्म ही होना चाहिए, तो उसकी घातक अनंतानंदी को आप कैसे कहते हो, वो तो चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। लेकिन उन्होंने कहा ये दोनों एक साथ ही जाते हैं, तो उन्होंने सर्वघाती प्रकृतियों में उनको उन्होंने शामिल कर लिया है। और अपन कहते भाई ये एक ही पुरुषार्थ से दो काम हो गए, दो काम कहाँ हुए, काम भी तो एक ही है, वैसे तो अनंत काम हो गए, क्योंकि अनंत गुणों में शुद्धि प्रकट हुई तो अनंत ही गुणों के काम हो गए ना। वास्तव में हमारी समस्या ऐसे कोई एक एक गुण को शुद्ध करने की अलग अलग है ही नहीं, हमारी तो समस्या ये कि हमने एक दफ़े मिथ्यापना हटा हमारी दृष्टि में से और सम्यकपना आया तो सारे गुण ऑटोमेटिक सीधे हो जाते हैं, ख्याल में आई ना, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब वो जो कहते हैं ना अवशेष बचे रहते हैं, अवशेष माने बाकी के नहीं, जैसे पुरातत्व में होते हैं ना अवशेष, कि ये किला थे, बड़े बड़े राजमहल थे, अब वो टूट फूट के सब हो गए, अवशेष देखने लायक भी नहीं रहे हैं। देखने लायक बनाने के लिए पुरातत्व विभाग को बहुत खर्चा मर्चा करना पड़ता है, तो उन अवशेषों को शेष करने के लिए क्या करना है, और 1500 वर्ष निकलेंगे तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे, है ना। जो अवशेष मतलब चारित्र मोहिनी और बाकी के कर्म तो वे अवशेष हैं, उसकी मूल वो तो मिथ्यात्व ही जड़ थी, है ना, मूल जड़ तो मिथ्यात्व ही थी, बाकी तो ये उनके अवशेष हैं जो अपने आप समय पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे खासकर आघातिया कर्म। अब आघातिया कर्म किनके हैं, अरहंत भगवान के हैं, और अरहंत भगवान अनंत वीर के धनी हैं, उन अनंत पुरुषार्थ उनके यहाँ जग गया है, फिर उन्होंने घातिया आघातिया कर्म नष्ट नहीं कर पाए। जिन्होंने जब अनंत वीर नहीं था तब घातिया जैसे दुष्ट कर्मों का नाश कर दिया, और बे ही अरहंत भगवान अब ये बिल्कुल पिद्दी जैसे आघातिया कर्म है और उनका नाश नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया कहाँ से लाए, उनने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, क्यों, क्योंकि आगामी बंध के कारण वो होते नहीं हैं और वे उनकी उम्र नक्की है तो वे अपने आप समय पर समाप्त हो जाएंगे, उन्हें कोई ऐसी जल्दी नहीं है, क्योंकि अनंत सुख उन्हें प्रकट हो गया है जिसके लिए उन्होंने ये सब पुरुषार्थ किया था, अनंत बीवी प्रकट हो गया है, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया है, अनंत दर्शन प्रकट हो गया है, अब जो जब जाएंगे जब चले जाएंगे। तो वे अनंत वीर के धनी अरहंत भगवान जिन अघातिया कर्मों के बारे में कुछ नहीं करते हैं, हमारा सारा प्रयत्न उन अघातिया कर्मों के बदला बदली में ही है, हालांकि हमारे तुम्हारे प्रयत्न से कुछ नहीं होता। क्या मतलब, अब हमको तो बस जिन लौकिक अनुकूलता जैसे सुख बोलते हैं ना, अनुकूल वेद नियम सुखम आता ना और प्रतिकूल वेद नियम दुखम, ये दोनों वेदनीय कर्म हैं जो सबसे कमजोर है, और हमको बस दुख ना हो वे सुख हो वे, बस इसी के लिए हम निरंतर पूरी शक्ति लगाते हैं, तुम्हारे होने से कुछ होता नहीं है, है? वेदनी नाम के अघातिया कर्म के लिए हम सारा प्रयत्न करते हैं। अब गोत्र है, नाम है, इसमें तो क्या हो गया, एक तो गोत्र हो गया तो सारी जिंदगी बन गई, आप तो तुम्हारा बदला बदली तो होती नहीं है, क्यों, नाम है ये नाक नक्शे जैसे बन के आ गए तो आ गए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन तो कुछ होना इनमें संभव है नहीं है?
तो आज तक कोई ऐसा प्रयत्न भी नहीं करता है, कभी ज़्यादा वो अपने नामकरण की जो रचना है उसे बदलने की कोशिश करता हो, हैं थोड़ा श्रृंगार का भाव होता है तो सुंदर दिखूंगे ऐसा, वो अलग बात है। लेकिन वो कोई कर्म को बदल करके एकदम ऐसा कोई कोशिश नहीं करता कि मैं अफ्रीकी से एकदम अंग्रेज हो जाऊँ। इतना गोरा किसी को नहीं होना है, समझ गए ना। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो नाम कर्म गोत्र कर्म को कौन पूछता है, आयु कर्म, ये तो तीनों एक दफे आ गए ना, आयु कर्म हो गया तो अब सारी जिंदगी तो वही आयु रहनी है ना। अब जो हमारी दैनिक समस्या है, रोटी जल गई, आज ठीक नहीं बनी, दाल में नमक ज्यादा हो गया, जो कुछ भी और समझ लीजिए, ना ठंडी हवा चलने लगी, गर्म हवा नहीं है, जो भी ये अनुकूलता प्रतिकूलता है जो बिल्कुल नगण्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, हमारा जिंदगी भर का सारा पुरुषार्थ उसी में लगता है। जहाँ आनंद वीर के धनी कुछ नहीं करते हैं, बेदनी में लगता है, और मिथ्यात्व जो सब सारा पुरुषार्थ उसमें लगना चाहिए, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही मानने को तैयार नहीं है। अभी यहाँ पर हम समाज की मीटिंग बुलाओ, विद्वानों की बुलाओ, साधु संतों की बुलाओ, और अपन विचार करना है कि हमको समाज की समस्याएं निपटाना है। तो मैं आपसे कहता हूँ अजित जी कि आप कोई भी आदमी उस मीटिंग में जो 10,000 आदमी इकट्ठे करो तो जयपुर के बड़े बड़े सब साधु संतों से, कोई ये एक कहने वाला है कि मिथ्यात्व की सबसे बड़ी समस्या है और इसके लिए अपन लोग क्या करें, क्योंकि दिमाग में वो समस्या ही नहीं है। और बहुत हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, आजकल छेड़खानी बहुत ज़्यादा होने लग गई है, सुरक्षा की व्यवस्था हो गई है, और कितनी कितनी हो गई है, मतलब समस्या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, और हजारों प्रॉब्लम हैं समाज की हैं, और जिनके लिए अलग अलग संगठन भी बन गए हैं, अलग अलग, बिल्कुल एक महिला उद्धार का अलग, बच्चों के उद्धार का अलग, लड़कों के उद्धार का अलग, लड़कियों के उद्धार का अलग, अब तो वो भी खुल गए क्या ना मैरिज ब्यूरो, अब समाज वाले ये काम करने लग गए हैं, हैं सब इकट्ठे लड़का लड़की इकट्ठे करो, उनके संबंध करा दो, ये बहुत बहुत समस्याएं हैं, समझ गए ना। लेकिन ये मिथ्यात्व नाम की कोई समस्या नहीं है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट और जरा सुनना कि धर्म के नाम पर ही धर्म के तो सबको आचरण की थोड़ी फिक्र है, लोग अब तो मांस मदिरा तक पहुंच गए हैं भाई, अब आलू जमी के अंदर चलता है, वो तो कुछ समस्या ही नहीं रही जैन समाज की, अभक्ष भक्षण और ये समझ लेने ये तो कोई समस्या ही नहीं रही। आज एक शुद्ध सात्विक लड़की के लिए जो आलू जमी के नहीं खाती हो लड़का खोजना मुश्किल है, और ऐसे लड़के को के जो नहीं खाता हो लड़की खोजना मुश्किल है। अभी तो मैंने ऐसे भी सुने हैं कि लड़कियों ने सिर्फ इसलिए लड़के को रिजेक्ट कर दिया कि वो आलू नहीं खाता है, लड़की ने लड़कों तो लड़कियों को कर ही सकते हैं, ऐसे के मेरे केस सामने आ गए। कहने का अर्थ है कि धर्म के नाम पर यदि कोई हमारी समस्या है तो कदाचित मांस मदिरा तक है, इसमें तो कोई है ही नहीं कि मांस मदिरा तक का सेवन नहीं अपनी समाज में नहीं होना चाहिए, और खुले में तो नहीं होना चाहिए। एक दफे की सच्ची घटना सुनाता हूँ, मुझे याद आ गई। अमेरिका का एक शहर था क्लीवलैंड, तो वहाँ पर ऐसी मीटिंग में बात चलती थी, बैठे थे तो समाज का जो प्रेसिडेंट था जिसके घर में ठहरा हुआ था सबसे बड़ा सेठ, तो बातचीत में ऐसी आई गई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं खाना, आचरण के संबंध में। तो उसने खड़े होकर क्या बोला कि देखो भाई अंडा मंडा तो चलता है लेकिन कम से कम मांस तो नहीं खाना चाहिए, और उसने शराब में भी भेद डाला था, वो तो रम तो चलती है फलानी नहीं होनी चाहिए कुछ, अब हम दोनों को जानते भी नहीं। तो मुझको इतना गुस्सा आया
कि मैं एक सेकंड अपने को नहीं रोक सका और खड़े होके मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत गलत बात है, आप अपनी सभा में प्रेसिडेंट बोल रहा है। नहीं साहब वो नहीं छूट सकता, वो नहीं छूट, अरे छूट सकता है कि नहीं छूट सकता, लेकिन तुम तो कन्फर्म कर रहे हो, तुम तो इसको सील लगा रहे हो। ऐसी एक यहाँ की घटना भी बताता हूँ मैं, महावीर जी की बात है। हमने शाकाहार का वो वर्ष चल रहा था, अपन ने शाकाहार रथ बनाया था और महासमिति ने भी ये काम किया था, तो महावीर जी में इकट्ठे हुए थे, विद्यानंद जी महाराज वहाँ मौजूद थे। तो वहाँ पर जो थ्री फोल्डर बांटे जा रहे थे महासमिति की तरफ से, ताराचंद जी आप होंगे याद हो तो आपको, तो उसमें शाकाहार के प्रचार के लिए गाजर मूली आलू यही बने थे उसके ऊपर कि ये शाकाहार है और ये करो क्या, उसमें सब यानी बराबर ऊपर की किताब के पेज पर बने थे। अभी जैन समाज की जितनी भी किताबें शाकाहार के बारे में निकली होंगी, अपने यहाँ की छोड़ देना, उन सब में ये बीमारी है। मैंने वहाँ खड़ा होके कहा विद्यानंद जी की उपस्थिति में कि ये हम शाकाहार के प्रचार के नाम पर क्यों ये अभक्ष भक्षण का प्रचार कर रहे हैं क्या, हमने रखा था अपने रथ का नाम शाकाहार श्राव का चार रथ, तो लोग कहते थे साथ में श्राव का चार गाय को ठोक दिया। मैंने कहा वो शाकाहार का अर्थ आजकल आलू जमीकंद हो गया है, गाजर हो गया है, मूली हो गया है, तो हमने श्राव का चार शब्द जोड़ करके ये उसके निषेध के लिए हमने श्राव का चार शब्द जोड़ा है, तो अकेला श्राव का चार रहने देते तो बरस तो शाकाहार चल रहा है ना, समाज की समझ में तो शाकाहार शब्द से आता है ना। ये दुर्भाग्य की बात है, जैन समाज भी आज शाकाहार शब्द से समझती है, श्राव का चार शब्द से समझती ही नहीं। कि साहब आप इसके बिना नहीं चलता, आप गाजर तो छोड़ नहीं सकते, वो आंखों की दूसरी के लिए गाजर बहुत अच्छी होती है, ऐसी बातें शुरू हो गई वहीं। तो मैंने कहा क्या नहीं छोड़ सकते हो, क्या छोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये शाकाहार के नाम पर इसमें आम बना दो, अमरूद बना दो, ये भक्ष फल तो बनाओ इसमें, ये जमीकंद क्यों बनाते हैं। लेकिन आजकल के लोगों की समझ में ही नहीं आता है, मेरे से भी मुश्किल से दो नाम निकले कि आम और अमरूद, कोई बनाने वाला आम को बना भी दे अमरूद को कौन पूछता है, कि साहब नहीं बनाए तो बनाए क्या। उन्हें साग के नाम पर वो ही दिखता है। देखो अखबारों में ये समस्या है, यदि आलू महंगा हो जाए और क्या ना हो प्याज क्या बोलते हैं उसको लहसुन, वो महंगा हो जाए तो गवर्नमेंट बदल जाती है, लौकी महंगी हो तो कोई नहीं पूछता है। हम जो सब्जियां खाते हैं वो सब्जी कितनी महंगी हो जाए क्यों उसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता है। बस साग के नाम पर दो ही तीन चीजें, साग आगे सब्जी साहब बहुत महंगी, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, आलू इस भाव हो गया है, मुद्दे को हो गया है ये सब, और गवर्नमेंट फटाफट 100 रुपये किलो के प्याज को 50 खरीद के 100 रुपया किलो और 50 रुपये किलो के हिसाब से बेचने लगती है।